सोशल मीडिया जस्टिस, जानिए महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक की राय। नमस्कार, मैं हूं आलोक वर्मा। इंडिया विस्तार पर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस मीडिया की जिसकी चर्चा लॉकडाउन में भी सबसे ऊपर है, यानी सोशल मीडिया की। जी हां, सोशल मीडिया आज की डेट में तमाम कोरोना के चलते तमाम बंदिशों के बावजूद भी सबका माध्यम, सबका साधन बनी हुई है। लेकिन सवाल है सोशल मीडिया पर जस्टिस की, और यही सवाल है जिसको लेकर आज हम कुछ लोगों की राय भी आपको बताएंगे कि कैसे और क्यों सोशल मीडिया पर किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, किस तरह का पोस्ट होना चाहिए और सोशल मीडिया जस्टिस है क्या। दोस्तों, आपने पिछले दिनों सुना होगा कि 14 साल के लड़के ने गुड़गांव में आत्महत्या कर ली। जो प्रारंभिक जांच थी, पुलिस को यही पता लगा कि एक मी टू पोस्ट में एक लड़की ने उस लड़के का नाम लिखा था और लड़के के दोस्त उसको डरा रहे थे कि पुलिस अब तुम्हें इंक्वायरी करेगी, तुम्हारे खिलाफ जांच होगी और तमाम बातें, और इन सब से घबराकर उसने सुसाइड कर लिया। एक तो ही मी टू की बात। अब देश का एक बड़ा पिछले दिनों बड़ा एक फेमस केस आया है, वो है लॉकर बॉयज केस, बॉय लॉकर रूम केस। बॉय लॉकर रूम केस में भी लगभग यही बात है कि कुछ लड़कों ने एक ग्रुप बनाया और उसको फिर उस पर कुछ लड़कियों की अश्लील तस्वीरें या उनके बारे में अश्लील बातें करनी शुरू की और किसी एक लड़की ने उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया। उसके बाद पुलिस ने 100 मोटर लेकर उस पर एक्शन लिया और अब उसकी जांच चल रही है। ये दोनों ही मामले ताजा तरीन है, लेकिन मित्रों ऐसे बहुत सारे मामले बार बार आपकी मेरी निगाह में आते हैं। सोशल मीडिया पर एक हैशटैग करो, एक टैग करो या एक और कोई एसईओ का कीवर्ड इस्तेमाल करो और किसी को भी कभी भी किसी भी समय किसी भी आरोप से आरोपित कर दो, बिना ये सोचे कि इस आरोप से उस पर सामने वाले पर जिसको हम जिसके बारे में कह रहे हैं, जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, उस पर क्या असर होगा, उसके करियर पर, उसकी प्रतिष्ठा पर, उसके परिवार पर, उसके आसपास के लोगों पर और उसके खुद पे क्या असर होगा। पहले सुनिए जिन लोगों ने हमें सोशल मीडिया जस्टिस के बारे में अपनी राय भेजी है उनकी बात। सोशल मीडिया ट्रोलिंग एवं मॉब लिंचिंग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां एक में शारीरिक चोट पहुंचाया जाता है, वहीं दूसरे में मानसिक चोट पहुंचाया जाता है। इसका एक प्रमुख वजह यह भी है कि हमें से अधिकांश लोग आईटी एक्ट के बारे में जानकार नहीं है। हमें से अधिकांश लोगों को यह पता नहीं है कि हमारे द्वारा शेयर की गई कोई भी आपत्तिजनक तस्वीर या टेक्स्ट हमें 5 सालों की जेल पहुंचा सकती है। ऐसे में जरूरत है कि किसी भी माध्यम से प्राप्त हुई आपत्तिजनक तस्वीर या टेक्स्ट को हम आगे बढ़ने से रोकें। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग चल रहा है, सोशल मीडिया डिस्टेंसिंग कीजिए, इसके अलावा इसका कोई चारा नहीं। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, एक उदाहरण देता हूं, स्कूल में पढ़ता था तो वहां भी ट्रोलर्स होते थे। मैं देखता था कि जो कमजोर बच्चे होते थे, जब वो सवाल बड़ी मुश्किल से पूछने की कोशिश करते थे टीचर से, तो वहां पे भी कुछ स्टूडेंट ट्रोलर होते थे जो कि उसकी टांग खिंचाई करने की शुरू कर देते थे। कह रहे ये क्या सवाल पूछेगा, ये क्या बकवास कर रहा है। तो ये तो समाज के हर हिस्से में है, आप कब तक अपनी जान देते रहोगे। सोशल मीडिया व्यक्ति को आधुनिकताओं से जोड़ता है। मौजूदा समय में सोशल मीडिया पर ऐसे कई प्रोपेगेंडा और फेक मैसेजेस आते हैं जो कि समाज में अस्थिरता फैलाने का काम करते हैं। हम सभी को चाहिए ऐसे गलत जानकारियों को आगे न बढ़ने दें और संबंधित सोशल मीडिया पर रिपोर्ट करें। सड़क और सोशल मीडिया दोनों जगह ज्यादा प्रताड़ित लड़कियां ही हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना कुछ लोगों की मानसिकता बन चुकी है, लेकिन फिर भी मेरा सुझाव ये है कि आप सोशल मीडिया ट्रोलिंग का जवाब ट्रोलिंग से ना दें, वरना आप खुद एक कल्प्रिट बन जाएंगे। नमस्कार, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन बड़े आसानी से मिलती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम भी है। आज का जो युग है ये डिजिटल युग है, इस युग में हैशटैग्स चलते हैं। पूरी जानकारी लिए बिना ही हम भी इस रेस में शामिल हो जाते हैं और ट्वीट पे ट्वीट हैशटैग्स पोस्ट करना शुरू कर देते हैं और ये भी नहीं सोचते कि इसका परिणाम क्या होगा। इसका ताज़ा उदाहरण दिल्ली का आप सबके सामने है, जहाँ पे एक नाबालिग छात्र को आत्महत्या करनी पड़ी सोशल
सोशल मीडिया लिंचिंग के कारण है। अंततः मैं ये नहीं कह रहा कि अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन न्याय देने के लिए न्यायालय है, ना कि सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे आई जानकारी पे आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि समाज में उपद्रव फैलाने वाले उपद्रवी अक्सर ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जिसे समाज में असामाजिक तत्व फैलाया जा सके और वो बाद में फ्रीडम ऑफ स्पीच की दुहाई देने लगते हैं। लेकिन उन्हें ये जानकारी नहीं रहती है कि जो संविधान उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच की इजाज़त देती है, वही संविधान किसी गुनहगार, किसी आरोपी को तब तक वो गुनहगार साबित नहीं करती है जब तक उसका आरोप साबित ना हो जाए। तो सुना आपने किस तरह लोगों की राय है, क्या प्रतिक्रिया है। अब इसमें मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया जस्टिस की हम जब बात करते हैं या सोशल मीडिया जस्टिस मिले सारे लोगों को, जब हम ये सोचते हैं, जब हम ये बोलते हैं या जब हम चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें न फैले, तो सबसे पहले हमें देश के आईटी एक्ट पर ध्यान देना होगा। आईटी एक्ट के बारे में मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले 99% लोग बिल्कुल नहीं जानते होंगे। वो कई बार फन के लिए, कई बार किसी से अपनी रंजिश निकालने के लिए, कई बार जमात में शामिल होने के लिए, एक खास जमात में शामिल होने के लिए पोस्ट कर देते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि इस पोस्ट की कानूनी मान्यता क्या है, इसका आईटी एक्ट से क्या लेना देना है। और दोस्तों, ऐसे कई लोग गिरफ्तार होते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन बाद में ऐसा जांच में पाया जाता है कि उनको जानकारी नहीं थी। तो देश की सरकार को सोशल मीडिया जस्टिस के लिए अब कदम उठाने की जरूरत है। सच्चाई है कि अब कदम उठाने की जरूरत है और जरूरी है कि आईटी एक्ट के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में कानूनी अड़चन पैदा करने की बजाय, यानी किसी को पोस्ट करते ही उसको गिरफ्तार करने की कार्रवाई पर ध्यान देने की बजाय, इस पर ध्यान दिया जाए कि आईटी एक्ट के बारे में लोगों को जितना ज्यादा हो सके जागरूकता फैलाया जाए कि किस तरह की बातें क्यों और कैसे की जाती है। सोशल मीडिया अब एक ऐसी मीडिया है जिस पर सार्वजनिक जीवन की जस्टिस से ज्यादा इंपॉर्टेंस जस्टिस मिलना जरूरी है, क्योंकि वो तेजी से वायरल होता है, वो रुकता नहीं, वो वायरल हो जाता है, सबके दिमाग में, दिलों में चला जाता है। उसके बाद पता लगता है कि इस पोस्ट से ये नुकसान हो गया, इस पोस्ट से इस आदमी ने सुसाइड कर लिया, या इस पोस्ट की वजह से इस आदमी को जेल हो गई, या इस पोस्ट की वजह से इस परिवार में दरार पड़ गया। मित्रों, सोशल मीडिया जस्टिस पर सोचिएगा जरूर, और आपको लगे कि इस पर आप भी राय दे सकते हैं तो आप भी राय जरूर दीजिएगा अपने सोशल मीडिया खाते में। जी हाँ, फिर एक और मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक जुड़ी रहिए इंडिया विस्तार के साथ। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारे हर एक पोस्ट से आप अवगत रहें। अगली बार फिर किसी चर्चा में, आने तक के लिए नमस्कार।